अर्णव और सुनेत्रा आज सवेरे हमसे मिलने आए क्योंकि उनकी शादी एक महीने में है और वो हमसे प्री कंसेप्शन काउंसलिंग करवाना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि प्रेगनेंसी कब होनी चाहिए और उन्होंने क्या करना चाहिए जिससे उनके नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएं। चलिए इसके बारे में जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मनीषा सिंह। मैं सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड सब स्पेशलिस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन हूँ और मैं काम करती हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल बैंगलोर में। सो व्हाट इज प्री कंसेप्चुअल काउंसलिंग? इसेंशली अगर आपको बच्चा करना है तो ये ज़रूरी नहीं है कि शादी के तुरंत बाद आपको बच्चा हो। बच्चा एक चाह है और जब तक आपका खुद का तालमेल ठीक ना हो तब तक आपको बच्चे के बारे में सोचना नहीं चाहिए। मगर अगर आप बच्चे के बारे में सोच रहे हैं तो ये याद रखिए कि बच्चा होना एक फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट या असाइनमेंट नहीं है कि आपको इसी डेट तक बच्चा होना ही चाहिए। तो इस करके आपने क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये है कि आप दोनों को फिट और हेल्दी होना चाहिए, जिसका मतलब है आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो, आप अपने डाइट का खास ध्यान देते हो, रोज़ 2.5 से 3 लीटर पानी पीते हो, आप शराब नहीं पीते, स्मोकिंग टोटली बंद करनी चाहिए आपको, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक औरत को फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स स्टार्ट करने चाहिए अगर वो प्रेगनेंसी के बारे में सोच रही है। दूसरी बात, सेक्स। अब बहुत सारे लोग आजकल ओव्यूलेशन किट्स इस्तेमाल करते हैं, ओव्यूलेशन कैलेंडर होता है, ऐप्स भी हैं इंटरनेट पे जिसके ज़रिए वो अपना ओव्यूलेशन टाइम करते हैं। मगर किसी औरत का ओव्यूलेशन का कोई फिक्स डेट नहीं होता, किसी का डे 10 पे, किसी का डे 14 पे, किसी का डे 21 पे। तो आप कितने ओव्यूलेशन किट्स पे पैसा खर्च करेंगे? उससे सरल उपाय तो ये है कि जैसे एक औरत का पीरियड ख़त्म होता है, पीरियड ख़त्म होने के बाद आपको हफ्ते में 2 या 3 बार इंटरकोर्स करना है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप सैटरडे संडे को सेक्स करेंगे क्योंकि वो आपके फ्री डेज हैं। आपको सेक्स करना चाहिए 1 या 2 दिन छोड़ के। जैसे अगर मंडे को सेक्स किया तो आपने थर्सडे को करना चाहिए, थर्सडे को किया तो सैटरडे या संडे को सेक्स करना चाहिए। सेक्स वो चीज़ है जो आपने इंजॉय करनी चाहिए। डोंट मेक इट एन एक्सरसाइज जहाँ पे देयर इज अ प्रेशर टू परफॉर्म। तो मोटा मोटी ऐसे करने से मोस्ट मैन स्ट्रगल एंड दे डिवेलप इजैक्युलेटरी एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो आपको अपने पति को दबाव में नहीं डालना है और आपको भी सेक्स इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। आपने अगर नॉर्मल ट्राई करना है तो 6 से 8 महीने तक आप बिल्कुल ट्राई करिए इसी तरह विदाउट एनी प्रेशर। अगर नहीं होता, आपने सब कुछ कर लिया, अगर नहीं होता तो आपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर जाके मिलना चाहिए। स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से ये हम देखते हैं कि 1 साल के अंदर मोटा मोटी 80% कपल्स प्रेगनेंसी पा सकते हैं। दैट मीन्स 80% ऑफ कपल्स कैन अचीव अ प्रेगनेंसी एट द एंड ऑफ 1 ईयर ऑफ ट्राइंग। अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो हो सकता है कि कोई सटल एबनॉर्मैलिटीज हो स्पर्म में, हो सकता है आपकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हों, हो सकता है आपका एग रिजर्व बहुत पुअर हो और आपकी एग क्वालिटी पुअर हो। तो इस सब की जांच आपके गायनेकोलॉजिस्ट या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट करेंगे और आपको उनको जाके ज़रूर मिलना चाहिए और सारी टेस्ट भी करवानी चाहिए। तो आई होप आपको ये टिप्स यूज़फुल लगी। अगर आपको और कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे डिटेल्स यहाँ पे नीचे दिखाए गए हैं। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट इन योर मैरिड लाइफ एंड हैव अ सेफ प्रेगनेंसी इन द फ्यूचर। होपफुली दैट प्रेगनेंसी विल बी बिफोर द एज ऑफ 35। थैंक यू।